तो मैं किस मुंह से तुमसे कहती कि तुम मुझसे इतना प्यार करते रहे और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? शाप, धोखा। तो मेरे बात कीजिए सिर्फ मेरे लिए। और मैं जिंदा रही भी तो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। कभी गुनाह मैंने किया है, ये मेरी गलती है कि मैंने। अरे तुम पे विश्वास नहीं किया। भगवान, ये क्या करती, ये क्या कर दिया मैंने? मेरा पति, मेरा सुहाग, जिस पे विश्वास करने की मैंने कसम खाई थी, चलने को मैंने वादा किया था, वही कसम, वही वादा मैंने तोड़ दिया। क्या सिला दिया मैंने अपने सिंदूर का, अपने मंगलसूत्र का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अब मैं कबीर को कभी कोई दुख नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। लोग कहते हैं कि आपके मंदिर में सच्चे दिल से मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। मैंने भी मांगी थी और आपने मेरी भी मन्नत पूरी कर दी। हमारा प्यार जीत गया हमारा प्यार। भगवान जी, बस मुझे इतनी हिम्मत दीजिएगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं कबीर के सामने जा पाऊं। तुम्हारी आदित्य हूँ, तुम्हारी आदित्य वापस आ गई। हाँ कभी तुम्हारे प्यार पे शर्म करके बहुत बड़ा पाप किया मैं। गलत थी। सवाल है, आज भी बहुत सवाल है, लेकिन अब मैं उन सवालों का जवाब नहीं जानना चाहती, क्योंकि अब मैं जान गई हूं तुम्हारा प्यार पवित्र था, पवित्र है और हमेशा पवित्र रहेगा। मैं गलत थी, कभी मैंने बड़ी गुनहगार, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए। मेरा नेहा बनकर ऋषि के साथ इस घर में आना, आदित्य की आत्मा का वापस आना, ये सब मेरा नाटक था। क्या ये सब तुमने किया था? मेरी अदिति की यादों के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपने किसी नापाक मकसद को पूरा करने के लिए मैं मेरी बीवी की यादों का सहारा लिया। मुझे तुमसे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे माफ कर दो, मैं और करती भी क्या कभी। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन मेरे पास मेरे सवालों का जवाब जानने का और कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये लगता था कि मेरे एक्सीडेंट के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मुझे मारना चाहा, यहाँ तक कि मेरी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि मैं गलत थी। ये क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई थी, लेकिन सच जानने के बाद मुझे होश आ गया है। मैं याद आती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम अदिति हो? क्योंकि यही सच है। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, जिसके साथ तुमने साथ फेरे लिए थे, वो सारी कसमें खाई थी और उसे निभाया भी। शट अप, तुम मेरी अदिति की जगह लोगी। मेरी अदिति की। तुम इतनी घटिया हो सकती हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं कभी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ही अदिति हूँ। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ नेहा, अगर तुमने इस बात को एक और बार दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं नेहा नहीं हूँ। नेहा बनने का मैंने सिर्फ नाटक किया था, और वो ऋषि भी मेरा पति नहीं है। मैं सिर्फ मेरी मदद की थी तुमसे बदला लेने के लिए। ओह, तो जब ऋषि तुम्हें धोखा देकर चला गया तो तुम्हारा दुखी होना, टूट जाना, वो सब एक नाटक था ताकि तुम इस घर में रह सको, मुझसे हमदर्दी बना सको, अपने इस इरादे को अंजाम दे सको। कभी नहीं, तुम मेरी गलतफहमी थी वो। मैं तुम्हारी याद, उसका नाम भी मत लेना अपनी गंदी जुबान से, कभी नहीं। याद है मुझसे कहा था कि मैं कुछ कुछ चीजें बिल्कुल अदिति जैसी करती हूँ। तुम्हारी प्लेट सजाना, अपने बाल सुखाना और उसे सूंघना। याद आया? तुमने मुझसे कहा था ना कि ये सब चीजें तो तुमने मुझे नहीं सिखाई, तो फिर मैं कैसे जानती हूँ? तुमने मुझे खुद बताया था कि तुमने ये सब कुछ अदिति की डायरी से सीखा। नहीं, कभी वो सब चीजें मैंने खुद उस डायरी में लिखी थी, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह पता चले कि मैं ही अदिति हूँ। तुमने ये सब कुछ आदित्य की डायरी में लिखा, और कितना गिर सकती हो तुम। तुमने मेरी आदित्य को मुझसे दूर करने की कोशिश की, उसकी यादों को मुझसे छीनना चाहा, वो यादें जो उसके जाने के बाद मेरे जीने का सहारा है। जरूरत कैसे कि तुमने मेरी आदित्य की डायरी खराब करने की, उसके खाली पन्नों में अपनी गंदी सिहाई भरने की, ये लिखने की कि आदित्य मुझसे नफरत करती है। कबीर, कबीर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कबीर? मेरी बात का यकीन करो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे यकीन दिलाऊंगी मैं ही अदिति हूँ। हाँ, मैं ही तुम्हारी अदिति हूँ, अदिति जायसवाल। कबीर, दरवाजा खोलिए कबीर। कबीर, ईजा और बाकी सबके सामने तुम वैसे ही मुस्कुराओगी जैसे तुम सच में अदिति जायसवाल हो। तुम अदिति हो, लेकिन बाकी सबके लिए। और अपने दिमाग से एक ख्याल निकाल दो कि तुम कभी अदिति बन सकती हो और मेरे दिल में उसकी जगह ले सकती हो, समझी? नेहा शेखावत। कबीर, वो मिसेस गिल आई हैं। वो आपसे और परी से कुछ जरूरी बात करना चाहती है। परी के ट्रस्ट में जो 900 करोड़ रुपए हैं, उनके बारे में। आइए आप। जी जा, आप चलिए, हम आगे।